प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर दहशत मची हुई है। दहशत के बीच स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ खाकी के जवान भी आमजन की सुरक्षा और संक्रमण से बचाए रखने के लिए 24 घंटे फील्ड में ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। वहीं पुलिस कर्मियों में कोरोना का संक्रमण ना फैल सके, इसके लिए प्रदेश में SP शंकर दत्त शर्मा की ओर से जयपुर ग्रामीण पुलिस को पहली बार स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ PPE किट यानी बॉडी सूट मुहैया कराए गए हैं। इन बॉडी सूट को पहनकर जयपुर पुलिस के जवान अब कोरोना संक्रमण के बीच ड्यूटी करते हुए नजर आएंगे। ताज्जुब तो यह है कि कोरोना का यह संक्रमण कई पुलिस कर्मियों को भी अपनी चपेट में ले चुका है। ऐसे में ग्रामीण पुलिस को दिए गए PPE किट यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी बॉडी सूट कोरोना के संक्रमण के बचाव में काफी फायदेमंद होंगे। कोरोना वायरस के बीच कितना कारगर साबित होगा ये बॉडी सूट, इसको लेकर हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने जयपुर ग्रामीण SP शंकर दत्त शर्मा से की खास बातचीत। बढ़ते कोरोना वायरस के चलते पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है और ऐसे में जो जयपुर पुलिस है, जो राजस्थान पुलिस है, वो आमजन की सुरक्षा को लेकर के 24 घंटे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए योद्धाओं की भांति इस महामारी से जंग लड़ रही है और साथ में आमजन की सुरक्षा कर रही है। तस्वीरों में आप देखेंगे यहाँ पर जयपुर पुलिस की ओर से, यहाँ पर राजस्थान पुलिस की ओर से जो तमाम जो जवान हैं पुलिस के, उनको सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो बॉडी सूट है जिसको PPE किट कहते हैं वो यहाँ पर मुहैया कराया गया है। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने पहली बार ऐसा किया है पूरे राजस्थान के अंदर, जब ये जो पुलिसकर्मी है जो लगातार 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं यहाँ पर, आम जन को ये विश्वास दिला रहे हैं कि आपको अपने घरों के अंदर रहना है तो आपको कोरोना से जंग लड़ने के लिए वो जरूरी है, मगर उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है पुलिस के लिए भी यहाँ पर प्रोटेक्शन अपनाना। और उसके लिए कहीं ना कहीं आज जो यहाँ पर जयपुर ग्रामीण पुलिस की ओर से जो बॉडी किट था वो यहाँ पर मुहैया कराया गया है ताकि ये अपना बचाव कर सकें और जो कोरोना का जो संक्रमण फैल रहा है उसकी चपेट में ना आ सके। और यहाँ पर ये पुलिस के जवान है, उनको यहाँ पर सबसे पहले डेमो दिया गया है पैरा करके किस तरह ये काम करेगा, और इसको जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जो एडिशनल SP हैं सुलेश चौधरी जी, उनसे भी बातचीत करते हैं कि किस तरह का ये PPE किट है पूरा और कितना लाभदायक रहेगा। मैडम आप बताएंगे कितना लाभदायक रहेगा? बेसिकली ये जैसे जो भी मेडिकल गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो किट है, बॉडी किट है, ये कोई भी संक्रमित व्यक्ति का या सस्पेक्टेड का यदि इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको कैरी करने के लिए, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए, आइसोलेशन सेंटर तक पहुंचाने के लिए पुलिस के जो जवान जाता है, पुलिस का जो अधिकारी जाता है, यदि वो इसको पहन करके उसके साथ हॉस्पिटल तक जाता है तो ये बिल्कुल फुली प्रोटेक्टेड है क्योंकि इसमें बॉडी का हर पार्ट कवर होता है। कहीं भी किसी तरह का वो नहीं है कि भाई कोई चीज़ इसमें खुली है, क्योंकि इसके लिए इसमें गॉगल्स का भी यूज़ किया जाएगा जो कि अभी हमने ऑर्डर किया है, वो भी आ जाएगा। इसमें पूरा पैरों से लेकर जूते से लेकर के पूरी बॉडी, हेड, मास्क, साथ में चश्मा और इस तरह से ग्लव्स वगैरह पहन करके पूरा इसमें कहीं भी कोई बॉडी का ऐसा एक्सपोज पार्ट खुला नहीं रहता है कि जिससे कि इन्फेक्शन का कोई उसमें संभावना रहती हो। सर कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ गई है इसके PPE किट की, बहुत जरूरी है एहतियात के लिए। आपने देखा कि राजस्थान में एकमात्र पुलिसकर्मी से संक्रमण हुआ है तो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होता है इसके लिए, बहुत देरी नहीं हो गई है पुलिस की? देरी तो नहीं, लेकिन जैसा कि जिस तरह से जैसा जैसा आवश्यकताएं बढ़ती हैं उसके अकॉर्डिंगली उन चीज़ों का जैसे यूज करते हैं, तो जैसे ही ये बात संज्ञान में आई कि अपना जो पुलिस स्टाफ है 24 घंटे इस तरह की ड्यूटी को अंजाम दे रहा है तो उसकी सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने ये बॉडी किट परचेज किया है और हमारे सभी थानों में जवानों को ये प्रोवाइड कराया जा रहा है ताकि वो कहीं भी कोई संक्रमित व्यक्ति को यदि कैरी करते हैं तो इसका यूज करेंगे, उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वो संक्रमण से बच पाएंगे। तो बिल्कुल संक्रमण से बचने के लिए ये जो PPE किट है, बॉडी सूट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। पूरे कितने पुलिस कर्मियों को ये जो किट है बांटा गया और राजस्थान पुलिस में पहली बार जयपुर ग्रामीण पुलिस ने पहल शुरू की है प्रोटेक्शन के लिए, पुलिस कर्मियों के प्रोटेक्शन के लिए, उसके लिए जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर SP शंकर दत्त शर्मा जी हैं जयपुर ग्रामीण के। सर एक अनूठी पहल शुरू की और सैनिटाइजर और मास्क तो हर जगह अवेलेबल करा रहे थे, मगर कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जरूरी था PPE किट, जो बॉडी सूट है, क्योंकि पुलिस के जो जवान हैं वो रात दिन मुस्तैद हैं और 24 घंटे ड्यूटियाँ कर। ये सच है कि पुलिस बहुत टफ ड्यूटी कर रही है और हर जगह पहुंचती है जहां उनको कई बार ये सोचते हैं कि यहाँ पर सावधान रखनी चाहिए पहुंचने के लिए। और वर्तमान में अभी जो कोरोना वायरस का जो संक्रमण चल रहा है तो पुलिसकर्मी जांच करवाने ले जा रहा है ड्यूटी पर, जो संदिग्ध लोग हैं उनकी पहचान कर रहा है, सर्वे टीम में साथ जा रहा है और कई बार पॉजिटिव व्यक्ति होता है उसे साथ भी जाकर टेस्ट भी करवाता है। तो ये सब चीज़ देखते हुए जयपुर जिला ग्रामीण ने, हमने 250 बॉडी सूट अभी लिए हैं लेके, और जहाँ जहाँ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ये पुलिस कर्मियों को ज़्यादा खतरा रहता है संक्रमण का, वहाँ हमने प्रोवाइड करवाए हैं और बाकी आवश्यकता पड़ने पर और भी प्रोवाइड कराएंगे।
आपकी जानकारी बता दूँ, अभी तक करीब 18,000 से ज़्यादा मास्क हम उपलब्ध करवा चुके हैं पुलिसकर्मियों को। करीब 2,500 जो चश्मे होते हैं दिन में ड्यूटी के अलग, रात में ड्यूटी के अलग, वो हमने उपलब्ध करवाए हैं। सैनिटाइजर्स भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और साथ साथ में उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कहाँ वो रह रहे हैं, क्या सोशल डिस्टेंस मेंटेन है, जब वाहन चेक कर रहे हैं या लॉकडाउन की पालना करवा रहे हैं तो पूर्ण सावधानी खुद भी रखें और साथ में जनता को भी समझाइश करें। और यही नहीं, जो सामाजिक सरोकार है वो भी हम साथ रख रहे हैं। करीब 89,000 फूड पैकेट्स जयपुर जिला ग्रामीण ने अभी तक जो आम लोग थे, जो इनको आवश्यकता थी, गरीब लोग थे, उनको वितरित भी किया। सर, एक सबसे अहम मैं प्रोटेक्शन की बात करूंगा, कहीं ना देरी नहीं हो गई है सर इन चीज़ों में, क्योंकि लॉकडाउन 22 से लगा है, संक्रमण अब एक शहर से दूसरे शहर में फैल रहा है, लोग बता नहीं रहे हैं, और जब जांचें की जा रही है, स्क्रीनिंग की जा रही है, अचानक से लोग निकल रहे तो पता चल रहा है कि दूसरे शहर में पहुंच गया, अब वहां पर पुलिस पहले से मुस्तैद है, तो देरी नहीं होगी है प्रोटेक्शन किट में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। जयपुर जिला ग्रामीण लॉकडाउन जब शुरू हुआ था उसके पहले से ही हमने हमारा पूरा जो जिला है, सीमाएँ हैं, उनमें पूरा हमने ध्यान रख रहे थे, सावधान रख रहे थे। और अब वर्तमान में 51 नाके हमारे चल रहे हैं, सभी जो हमारे कस्बे हैं, गांव हैं, वहाँ पर हमने गश्त भी लगा रखी है और प्रत्येक थाने पर दो दो गाड़ियाँ अलग से हमने हायर की है। करीब 60 गाड़ियाँ हायर की हमने अभी तक, जो कि अनाउंसमेंट भी कर रही है और लॉकडाउन की पालना भी करवा रही है। और फिलहाल अभी तक जयपुर जिला ग्रामीण में कोई भी एक भी केस पॉजिटिव नहीं है, और जो संक्रमण की जो संभावना और जो आप बता रहे हैं खतरा है, वो सही कर रहे हैं, खतरा है, लेकिन देरी नहीं है, हम समय रहते हुए स्टेप्स ले रहे हैं और एडवांस में स्टेप्स ले रहे हैं। टोटल कार्रवाइयाँ कितनी हुई है सर लॉकडाउन और धारा 144 का उल्लंघन करके? नहीं, करीब 300 लोगों के आसपास हमने अरेस्ट कर लिए हैं और करीब अभी तक हमने 3.5 लाख से ज़्यादा जुर्माना वसूल किया है और करीब 10 केस हमने दर्ज कर लिए हैं अभी तक, जो सेक्शन 188 के हैं और धारा 144 तोड़ने के हैं। सख्ती से कार्रवाई जारी है, लेकिन जनता का सहयोग हमको मिल रहा है और वो मिलता रहेगा, ये पूरा विश्वास है। कहीं पे यदि कोई समझ कम है तो उनको समझा भी रहे हैं हम लोग। तो बिल्कुल जनता का यहाँ पर सहयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके लिए जयपुर पुलिस लगातार अपील कर रही है, हमारा इवन टीवी आप सब लोगों से अपील कर रहा है कि आप लोग घरों के अंदर रहिए, अगर आपको कोरोना से बचाव करना है तो घर में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है और साथ में एहतियात बरतना सबसे ज़्यादा जरूरी है। राज्य सरकार ने एक मास्क को लगाने के लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य कर दिया, तो अगर आप घरों से बाहर निकल भी रहे हैं, अगर कोई इमरजेंसी सेवाओं के लिए या अपने खाद्य वस्तुओं की पूर्ति के लिए, तो उसके लिए आप मास्क लगाकर निकले, अन्यथा आपको जो पुलिस है गिरफ्तार कर सकती है, आपके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती कर सकती है। यहाँ पर जरूरी भी है ये, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी है जिससे पूरा देश जूझ रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा जो सहयोग कर रही है वो रात दिन जो है वो जयपुर पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, वो लगातार इसमें कार्य कर रही है। ऐसे में हम सबको मिलकर के राजस्थान पुलिस का यहाँ पर सहयोग करना है ताकि आप लोगों को कोरोना के संक्रमण में आने से बचाया जा सके। कैमरा पर्सन रामकृष्ण सैनी के साथ यादविंद्र शर्मा, एवन टीवी न्यूज़ जयपुर।